तो वहीं लोक संवर्धन पर्व के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा लोक संवर्धन पर्व कार्यक्रम का आयोजन अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित प्रतिभाशाली कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के लिए किया जाता है। हम उन्हें एक मंच भी प्रदान करते हैं जहाँ वो अपने स्टॉल लगा सकते हैं। मुझे खुशी है कि हम अपनी सरकार के पहले 100 दिनों में ही इस कार्यक्रम को शुरू कर पाए। ये समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचने का प्रधानमंत्री मोदी का विचार है। ये दिल्ली हाट में 10 दिवसीय उत्सव है। इवेंट लोक संवर्धन पर्व ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स टू गिव अ ह्यूज प्लेटफॉर्म्स टू द टैलेंटेड आर्टिस्ट्स हु आर सपोर्टेड बाय वेरियस वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। वी हैव न्यूमरस स्कीम्स बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो प्रोवाइड देम प्लेटफॉर्म्स वेयर दे कैन पुट अप देयर स्टॉल्स एंड सेल देयर आइटम्स and we have many other knowledge partners who provide hand holding support to the beneficiaries. I'm happy in the very beginning of our tenure under the 100 days action plan we could start this lok samvardhan parv here. This is the prime minister's idea of reaching out to every section of society. So basically this is empowering the youth skilled people, you know, those who can do something, those who can contribute something. We just need to give them small help, they will rise in life. So we are giving them support. Mujhe acha laga ki itne log bharat ke alag alag jagah se log aaye hain aur ya apna hunar apna jo items hai ya delhi heart mein 10 din ka ye parv hai aur yahan sabko ek acha mauka mila aur log bahut utsahit bhi hain। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास ये हमारा मंत्र है काम करने का, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय को हम पूरी तरह एकजुट में, जैसे हमारे बाकी लोग हैं, सब एक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, मौका हर एक को मिलना चाहिए।